अगर आप सोच रहे हैं कि ये मिरर है, तो मैं आपको बता दूं ये मिरर नहीं है, ये एक्चुअल में विंडो है और ये उसका शीशा है। सो गाइस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फाइनली मैं फिर से व्लॉग शूट करने जा रहा हूँ। आज कह सकते हैं कि 2 महीने ही हो गए कि मैंने कोई व्लॉग शूट ही नहीं करा, और नया साल है, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। और आज मैं जाऊँगा धर्मशाला, और एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि धर्मशाला कहाँ पर जा रहा हूँ। सो स्टे ट्यून, एंड जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, कितने हैं मेरे, 206 मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, उनको भर भर के मेरी तरफ से प्यार, लव यू ऑल। दोस्तों कैसा लग रहा हूँ? गुड, एक्सीलेंट, स्मार्ट, क्यूट, कमेंट सेक्शन में बताना। क्या मौसम है यार आज, जस्ट चेक आउट द वेदर। गाइस से हेलो। हेलो, तो गाइस अभी हम फिलहाल बस स्टैंड पे पहुंच चुके हैं, और अभी हम फिलहाल गाड़ी लेंगे, टैक्सी लेंगे हम मैकलो तक की, और फिर वहां से एक छोटा सा ट्रैक है 2 किलोमीटर का धर्मकोट तक का। सो स्टे ट्यून। फाइनली गाइस हम मैक्लोडगंज आ गए हैं, अभी हम मैक्लोडगंज के बस स्टैंड पे हैं, और यहाँ से आपको मैं व्यू चेक करवाता हूँ। पहले चेक आउट द व्यू गाइस, सुंदर, अति सुंदर। अब यहाँ से हम धर्मकोट जाएंगे, आई थिंक 3 या 4 किलोमीटर का ट्रैक है, तो जाएंगे धर्मकोट अब हम। ठीक है दीक्षित, दीक्षित हेलो। मोटा ही ट्रैफिक है गाइस यहाँ पे, तो यू नो न्यू ईयर का टाइम है और काफी टूरिस्ट हैं यहाँ पे। और अभी हम जाएंगे इस रास्ते से। गाइस आई होप आपको मैक्लोडगंज की हिस्ट्री का तो पता ही होगा। सो दोस्तों अभी हमने धर्मकोट के लिए ट्रैक शुरू कर दिया है, 1.8 किलोमीटर का ट्रैक है, छोटा सा ट्रैक है। ठीक है मेहुल, एक्साइटेड? बहुत ज्यादा।
दोस्तों आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, बॉयकॉट बीजिंग 2022 विंटर ओलंपिक्स। अब आप सोचेंगे कि मैक्लोडगंज में ये पोस्टर क्यों लगे हैं। इसका एक्चुअल में मेन रीज़न ये है, मैक्लोडगंज है एक्चुअल में तिब्बतियों की कॉलोनी, और तिब्बत और चाइना का इतिहास हमें पता है कितना पीसफुल रहा है, तो दैट्स द रीज़न यहाँ पे तिब्बतियों ने बॉयकॉट बीजिंग 2022 विंटर ओलंपिक्स लगाए हैं, जो कि अमेरिका ने तो बॉयकॉट कर दिए हैं बट इंडिया ने अभी भी ऑफिशियली उनका बॉयकॉट नहीं करा है, और इंडिया करेगा भी नहीं। सो मैं इस पर कुछ नहीं बोलना चाहता, आप रास्ते का। सो हियर आर माय फ्रेंड्स, गाइज आपको पता है अभी हम जा रहे हैं धर्मकोट, और यू नो धर्मकोट को ना मिनी इसराइल भी बोला जाता है। मिनी इसराइल इसलिए बोला जाता है क्योंकि मैंने भी सुना है ऐसा कि यहाँ पे यहूदियों की कॉलोनी है एक, इसराइलियों ने यहाँ पे आके घर बनाए हुए हैं, दैट्स वाई इसे मिनी इसराइल बोला जाता है। तो चेक करते हैं फिलहाल जाके क्या सच में घर हैं वहाँ पे। सो स्टे ट्यून्ड। खतरा भाई, इस रास्ते कहाँ है रास्ता? अब आई डोंट नो ये कौन सी जगह है, बट हाँ इतना मैं पता कि एक पवित्र जगह है तिब्बतियों की। नीचे उन्होंने बोर्ड भी लगाया था, और यहाँ पे कचरा फैलाना सख्त मना है। क्या जगह है यार, दोस्तों यार बड़ी ही सुंदर जगह है, काफी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है यहाँ से। अब ये इन्होंने लिखा है पता नहीं तिब्बती में लिखा है कि किस में लिखा है, वो यहाँ देखिए लिखा है माने पत्नी, अरे पीमडी लिखा है। कॉमेडी कॉमेडी गाइस, चले दोस्तों चले। दोस्तों इतनी देर से चल रहा है, अभी तक हम ना लोकेशन पर नहीं पहुंचे, पर चलो रास्ता जा रहा है कहीं पर तो चले जाते हैं। आपको व्यू दिखाता हूं गाइस, चेक आउट द व्यू यार, सुंदर पीस। यू नो गाइस वहां है धर्मकोट, और हम ऊपर आ गए हैं, और ये रास्ता जाता है त्रिउंड को, जो कि अभी है बंद। इसका मतलब आप समझ सकते हैं हमारे साथ हुआ है सीन, देखते हैं किसी और जगह पे चलते हैं। सो दोस्तों फाइनली हम एक लोकेशन पे पहुंचे हैं ना, धर्मकोट तो नहीं जा सके लेकिन ये एक मंदिर है काफ़ी हाइट पे, और बड़ी सुंदर लोकेशन है यार। आपको व्यू बताता हूँ मैं यहाँ से, रुको, मार्वेलस। ये तो अभी धुंध पड़ी हुई, नहीं तो पूरा धर्मशाला दिख रहा है यहाँ से पूरा। वहाँ नीचे धर्मकोट है,
वहाँ भागसू है। चलो मंदिर के अंदर लेके जाता हूँ आपको, काफ़ी एक अच्छी जगह है। अनबिलीवेबल, कोई शब्द नहीं है मेरे पास। और फाइनली वो देखी स्नो। तो दोस्तों यार ये थी लोकेशन। अब आपको कैसी लगी लोकेशन? बढ़िया थी, आप बताइए। बढ़िया थी। दीक्षित कैसी लगी लोकेशन? बवाल चीज है, बवाल है। व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहते हैं? सब्सक्राइब किया जी, मैं अनसब्सक्राइब कर दूँ इसको। नहीं नहीं ये वाला नहीं गाइस, अगला टारगेट है वो त्रिउंड। अगली बार जाएंगे हम त्रिउंड। कुछ टारगेट नहीं है दोस्तों, यहीं रहेगा, मंदिर बन गया। फिलहाल इतना ही, अभी जाएंगे और कुछ खाएंगे। प्लीज़ फटाफट स्टे ट्यून गाइस, लव यू ऑल। सो ठीक है गाइस, अभी चलते हैं वापस। गाइस प्रसाद ले लिया, प्रसाद नहीं मिला पर दुख है इस बात का, पर था कुछ खाने को। प्रसाद नहीं, प्रसाद नहीं, मंदिर में प्रसाद लेने गया अंदर गया, प्रसाद गायब, बाहर आया चप्पल गायब, अंदर गया प्रसाद खत्म, बाहर कल गाजर का हलवा और खा लेना चाहिए था। ओके गाइस बाय। अभी हमने खाए हैं मोमोज और छोले भटूरे और अब हम जाना है वापस, और हमारी बस आने वाली है यार। बट जाने से पहले सनसेट देखते हैं।